हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि न्यूज़पेपर से आप अपने बालों को कर्ली कैसे बना सकते हैं बिना कोई केमिकल यूज़ कर किए। अपने बालों को अच्छा से अच्छा घुंघरैला बनाना है तो आप ये वाला ट्रिक अपना सकते हैं। न्यूज़पेपर को पहले इतना आपको काट लेना है, उसके बाद आपको उसको फोल्ड करना है। देखिए, इस तरह से इतना लंबा आपका पेपर होना चाहिए। जैसे कि एक जो न्यूज़पेपर होता है उसको मैंने दो कट किया, और अब जो दो कट हुए हैं उसी में से एक कट को ऐसे फोल्ड करके इतने सारे मैंने बना लिए हैं। फिर से मैं बता दे रही हूँ, फोल्ड करना है और उसके बाद और उसको ऐसे फोल्ड करना है। उसके बाद फिर उसको पतला पतला लेयर में उसको फोल्ड करते जाना है। उसको पतला करिए, गोला करिए, आप कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से आपको बांधना है बालों को। तो इसीलिए ये जो पेपर की लंबाई है ये आपको इतनी रखनी ही पड़ेगी। आप चाहे तो ये जो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, इसको बहुत पतला पतला भी फोल्ड कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपको ढेर सारे बना लेने हैं अपने बालों के अकॉर्डिंग। जैसे आपका बाल अगर लंबाई, या लंबाई का तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर काफ़ी घने बाल हैं तो आपको काफ़ी सारे बनाना होगा, और अगर नहीं है ज़्यादा घने तो आप कम भी बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे बनाए थे, तो जितने सारे यूज़ होंगे वो आप देख लीजिएगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा सेक्शन लूँगी, बहुत ही थोड़ा सा, और इसमें लगाऊँगी मैं अपना न्यूज़पेपर जो मैं अभी मोड़ के रखी थी, और इसको यहाँ नीचे रखना है, और इसको अंदर की तरफ से गोल गोल करते हुए ऊपर की ओर ले जाना। देखिए, इस तरह से फोल्ड करते जाना है और बाल उसमें गोल गोल घूमते जाएंगे। देखिए, अंदर से करना है, आप कभी भी बाहर से मत करिएगा। जो मैं इसको उठा रही हूँ ना, इसको बाहर से नहीं करना है, आपको अंदर से करना है और ऊपर ले जा करके उसको बांध देना है। बहुत ही बालों की जड़ों के पास आपको ये वाला चीज़ नहीं बांधना है, थोड़ा सा नीचे ही करिएगा, नहीं तो बांधने वक्त भी आपका जो बाल का जड़ है वहाँ पे दर्द होगा आपको। इसलिए थोड़ा सा जड़ से दूर ही आपको 2 इंच का दूरी रखना है, और तब आप इस पेपर को बांधें। अब फिर से मैं थोड़ा सा सेक्शन लूँगी और फिर से मैं वैसे ही सेम प्रोसेस करूँगी। देखिए, सबसे पहले नीचे से थोड़ा सा राउंड कर लूँगी, उसके बाद अंदर की तरफ से पेपर को फोल्ड करूँगी। देखिए, इस तरह से फिर से देख लीजिए आप। देखिए, अंदर से कर रही हूँ, कभी भी बाहर के डायरेक्शन में मत करिएगा, क्योंकि उसका जो कर्ली होता है ना, फिर वो दूसरी तरह का आएगा। तो फिर आप बोलोगे कि नहीं, मुझसे तो हुआ ही नहीं कर्ली, तो क्योंकि मैंने ना दोनों तरीके अपनाए थे। लेकिन ये जो तरीका है ना, जैसे देखिए, अंदर की तरफ हुआ और उसके बाद ऊपर से ये बंध गया। देखिए, यहाँ पे अंदर की तरफ से है और ऊपर से मैं इसको ला करके बांध दे रही हूँ। जब आप गलत करोगे ना, तो ये ऊपर की ओर नहीं बंधेगा, ये अंदर की तरफ बंधेगा। यानी समझ जाइए कि आपने गलत डायरेक्शन में उसको रोल कर दिया है। तो इसके बाद मैं इसको बांध दूंगी। बांधने वक्त थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, और दिक्कत ये भी होगा कि जो सामने वाले बाल जब आप इस तरह से करोगे ना, तो ये बार बार आपको फेस पे आकर के झुक जाएंगे न्यूज़पेपर, तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप बेबी क्लिप की मदद से उसको चिपका दे ऊपर, दोनों को, जैसे मैं करी हूँ। इससे आपको फिर कंफर्टेबल लगेगा, ऐसे आपको ना अच्छा नहीं लगेगा कि क्या मेरे सिर के सामने आगे झुक रहा है, तो आपको बहुत दिक्कत होगा। देखिए, इसमें आपको टाइम लगेगा। ये जो कर्ली होता है ना, देखिए, कुछ नहीं करना है। बालों को तो पहले गीला कर किया मैंने पानी से केवल, ठीक है। उसके बाद मैं बालों को कंघी की हूँ और न्यूज़पेपर की मदद से बस इसको रोल कर रही हूँ। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत जो पड़ेगी वो है आपको लगभग 5 से 6 घंटे आपको इसको टाइम देना है। और 5 से 6 घंटे के बाद जब आप पूरा मेकअप कर ले, तो आप इसको पूरा रोल जो है वो खोल सकते हैं। तो चलिए, मैं प्रोसेस तो स्टेप बाय स्टेप बता ही रही हूँ, उसके पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसका कर्ली हेयर बहुत अच्छा आता है। देखिए, इस तरह से पूरे बालों में मैं कर ली हूँ। देखिए, तो पूरे बालों में इस तरह से आपको कर लेना है, और 5 से 6 घंटे के बाद देखिए ये कर्ली कैसे होता है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा मेकअप भी हो गया था और मैं इसको 5 से 6 घंटे रख ली थी। जैसे देखिए, आप ये वाला जो कर्ली वाला है ना, जब आप किए हैं तो आपको रखना कैसे है, कितना देर रखना है। जैसे अगर आपको शाम में कहीं घूमने जाना, अधिकतर लोग शाम में घूमने जाते हैं, तो आप दिन में खाना पीना खा लीजिए दिन में 9 बजे से। मैं इसको 9 बजे लगभग खाना वगैरह खा ली थी, सुबह का नाश्ता, उसके बाद 9 बजे मैं अपना पूरा बाल में लगा ली थी, और उसके बाद मैं पूरा दिन रखी। उसके बाद 3:30 बजे या 4 बजे के लगभग मैं इस पेपर को खोल रही हूँ, और इसका कर्ली हेयर देखिए कैसा आ रहा है।
तो बहुत ही अच्छा इसका जो कर्ली हेयर है ना, बहुत अच्छा आया है। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी अंदर से बहुत ज़्यादा। ये वाला जो कर्ली हेयर है, अभी मैं एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं मशीन के द्वारा अपने बालों को कर्ल कर रही थी। मशीन से मैं फर्स्ट टाइम ही कर्ली की थी, जो आप लोगों के साथ वो वाली वीडियो भी शेयर की थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। तो उसमें मैं बताई थी कि मैं आज तक मशीन से नहीं की हूँ। जब भी मुझे बालों को कर्ली करना होता था तो मैं इसी तरह से न्यूज़पेपर से, या तो फिर एक लकड़ी आता है कर्ली हेयर करने के लिए, उसकी मदद से मैं कर्ली करती थी अपने बालों को। तो मुझे एक कमेंट आया था कि आप न्यूज़पेपर वाला जो ट्रिक है वो हम लोग के साथ शेयर करिएगा। तो लीजिए, मैंने शेयर कर दिया। और इससे क्या है ना, ये चीज़ें जो है मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। जब किसी ने कहा है तो करने में क्या संकोच है, और देरी किस बात की। तो बस ये चीज़ मुझे किसी ने कहा और मैं यहाँ पे करना शुरू कर दी और आप लोगों के सामने लेकर आ गई। तो अगर आपको शाम में घूमना है तो सुबह आप कर लीजिए, 9 बजे तक, मतलब 5 से 6 घंटे आपको रखने हैं अपने बालों में न्यूज़पेपर। और जब आपको घूमने जाना है उस वक्त सबसे पहले तो आप जैसे जो भी ड्रेस पहनना चाहते हैं आप ड्रेस पहन लीजिए, अपना मेकअप कर लीजिए, जो भी ज्वेलरी वगैरह करना है सब कर लीजिए। और उसके बाद लास्ट में आपको अपने बालों को इस तरह से ओपन करना है, और ओपन करने के बाद उसको कंघी नहीं करना है, बहुत ही आराम से ओपन करना। ओपन का मैं बहुत पहले, मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी, तो उस वक्त भी मैं बहुत अपने बालों को कर्ली करती थी। उस वक्त मैं क्या करती थी ना, जैसे मैं स्कूल पढ़ाने जाती थी तो 7:30 बजे मुझे घर से निकल जाना होता था। तो ये वाला ट्रिक ना मैं रात को करके और सो जाती थी रात भर, और सुबह उठती, खाना वगैरह बनाती थी, उसके बाद तैयार हो जाती, रेडी हो जाती, बस निकलना होता। तो आखिरी में ये वाला पेपर खोलती थी, और उसके बाद जैसे क्लचर लगा ली, या फिर क्योंकि स्कूल पढ़ाने जा रही हूँ तो इतने बालों को कर्ली खुला तो नहीं छोड़ूंगी, तो क्लचर लगा लेती थी, या फिर जो हम लोग का बैक पिन होता है वो लगा लेती थी, रबड़ लगा लेती थी। और इस तरह से करके मैं स्कूल जाया करती थी, कोई भी फंक्शन में, या फिर कोई भी अगर कोई भी मतलब त्यौहार मनाया जा रहा है स्कूल में, उस वक्त मैं इस तरीके से अपने बालों को कर्ली करती थी। और सभी लोग मुझसे पूछते थे कैसे हुआ कैसे हुआ। अभी भी बहुत से लोग पूछते हैं कि ये कर्ली तुमने कैसे किया। जब मैं बोलती हूँ ना न्यूज़पेपर से करी हूँ, कोई भी विश्वास नहीं करता है कि न्यूज़पेपर से इतना अच्छा कर्ली कैसे हो सकता है। तो देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। देखिए जो न्यूज़पेपर है ना, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उतना नहीं होता है मतलब टाइट वगैरह, तो आप इसको लगा करके आराम से सो सकते हैं। तो आपको इसको रखना है 5 से 6 घंटे। इसमें देखिए कोई भी केमिकल यूज़ नहीं हो रहा है, कोई भी आपको हीट यानी कोई भी गर्माहट नहीं यूज़ हो रही है, कोई भी आयरन वगैरह। जो कर्ली करने के लिए हेयर होता है वो मशीन होती है, गर्म होता है रॉड, और फिर आपके बालों में जाती है तो वो आपके बालों को डैमेज करती है। इसमें क्या है, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, पानी से ही केवल बालों को कर्ल करना है। 5 से 6 घंटे आपको टाइम देना है और आपको कर्ली हेयर मिल जाएंगे। देखिए अभी शादियों का सीजन आ रहा है, अभी हम लोग का छठ आ रहा है, तो आप इस तरह से हेयर स्टाइल बना सकते हैं, लड़कियां खासकर, और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है तो अपने बालों को इतना सुंदर लुक दे सकते हैं। और इसके लिए आप अपने बालों को अच्छे से कंघी ज़रूर कर ले, क्योंकि कर्ली हेयर होने के बाद आपको कंघी करने का मौका नहीं मिलता है, कंघी नहीं करना होता है, कंघी करोगे तो वो बाल बिगड़ जाएगा। तो देखिए अभी भी मेरे इतने सारे कर्ली हेयर बचे हुए हैं, सबको मैं धीरे धीरे ओपन कर रही हूँ। तो मुझे तो ये करने में और निकालने में और उसके बाद अपना चेहरा देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, और इसमें इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत भी की है, मतलब काफ़ी नहीं, 9 बजे मैंने इसको लगाया अपने बालों में, और उसके बाद जो भी घर के काम होते हैं मैं करी, और उसके बाद जब 6 घंटे बीत गए उसके बाद मैं इसको ओपन करी हूँ, जब मेकअप वगैरह सब हो गया था तब। तो ऐसे ही आप करो, और इसके जगह आप एक और उपाय कर सकते हो। देखिए इसमें है ना कि बहुत से लोग पूछेंगे कि ये कितने देर चलेगा, कितने दिन चलेगा, कितने घंटे चलेंगे। तो देखिए ये पानी से किया हुआ है, इसको जैसे ही आप ओपन करते हो तो इसका इसमें अगर आप जो हेयर स्प्रे है अगर आप यूज़ करते हो तो वो काफ़ी टाइम तक चलेगा, और अगर हेयर स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं करते हो फिर भी आपका 3-4 घंटा ऐसे ही बालों में लगे रहेगा, आपका सीधा नहीं जल्दी होगा। तो बेफिक्र रहे, अगर आपका कहीं पार्टी में जाना है, किसी शादी वगैरह में, तो आपका ये 3-4 घंटे आपके बालों में चलेगा। तो आप इसको बेझिझक कर सकते हैं अपने बालों में, बहुत ही सुंदर लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और अगर मेरे
मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आती हूँ, ब्यूटिशियन से जुड़ा हुआ और ख़ासकर फीट से जुड़ा हुआ वीडियो, और आपको नोज़ ज्वेलरी की वीडियो भी आपको ढेर सारी मिल जाएगी। तो देखिए, मेरा बहुत बेताबी है कि कब मैं अपने आपको आईने में देखूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जल्दी जल्दी इसको खोलो तब तो अपना चेहरा आईना में देखूं, क्योंकि अभी मैं आप लोगों की तरफ देख रही हूं और इसको ओपन कर रही हूं। तो देखिए, अब शायद हाँ सब निकल गया, ये क्लिप भी हटा लूँ। अभी मैं आईना में देख रही हूँ और अपने आप को लग रहा है वाह मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, क्योंकि मेरे ना बाल बहुत सीधे हैं, और जिन लोगों के बाल सीधे होते हैं उन लोगों को कर्ली करना पसंद होता है, जिन लोगों के बाल कर्ली होते हैं उन लोगों को लगता है कि बाल स्ट्रेट किया जाए। तो देखिए मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, वाओ। और इसके साथ मैंने जो ज्वेलरी पहना है वो है मीशो से ख़रीदा हुआ, ये लगभग मुझे 400 के अंदर का ही है ये ज्वेलरी जो मैं यहाँ पहनी हूँ। और यहाँ पे मैंने सिप्टम रिंग जो पहन रखी है नोज़ में, वो भी मैंने मीशो से ही मंगाई थी। और यहाँ जो मैंने लिपस्टिक लगाई है वो मैं लगाई हूँ ब्लू हेवन का मरून कलर। और क्या बताऊँ, यहाँ जो मैंने कुर्ती पहन रखी है वो है मैक्स का लिया हुआ, जो अभी अभी मैं ली थी। मैक्स की कपड़े की जो वीडियो है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाई थी, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, इन सभी की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी का, थैंक यू।